हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। आज हम आए हैं सामरे गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है कमल भाई। मिलते हैं कमल भाई सर, बातचीत करेंगे, एनिमल्स के दिखाने वाले कि नहीं जानकारी देने वाले। नमस्कार कमल भाई। नमस्कार भैया। आज हम आपको दिखाने वाले सिरोही की प्रेग्नेंट पट है अपने पास अभी। अच्छा, जो 12-13 महीने की पट है। अच्छा अच्छा, ये सारी सिरोही की पट है। बिल्कुल, सारी सिरोही की पट है अपने पास। कितने नंग का लोट है ये? अपने पास 40 नंग का लोट है। उस कंपाउंड में भी है, इसमें भी है, दोनों के अंदर है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो किसी भाई को चाहिए होगा तभी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, अवेलेबल स्टॉक के अंदर है। ये खाली पट है कि प्रेग्नेंट वाली है? ये खाली पट है अभी। अच्छा, खाली पट है। बिल्कुल। अच्छा, ये कितने महीने की होगी? ये अपने 12 महीने की है अभी। 12 महीने की। इसका बॉडी वेट कितना आ जाएगा? हाँ, बॉडी वेट कितना होगा, मतलब वजन? बॉडी वेट आ जाएगा अपने 35 केजी के लिए, 35-40 के बीच में। 35-40 के बीच बीच में इसका बॉडी वेट आ जाएगा, जिसके अंदर दो मेल है और बाकी फीमेल पटे है। बिल्कुल। अच्छा, और किसी भाई को अभी चाहिए होगा तो मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर टाइटल और विषय में नंबर मिल जाएगा। तो बात करते हैं इनसे रेट की, तो रेट आपने क्या रखा हुआ है? इनकी रेट करेंगे सर 240 रुपए केजी के हिसाब से। अच्छा, 240 रुपए पर केजी के हिसाब से माल मिल जाएगा। तो किसी भाई को चाहिए हो तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कमल भाई से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ हो जाएगा? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। पूरी इंडिया भर में कहीं पे भी आप करवा सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो जाएगा। बाकी जो चार्जेस रहेगा वो किसका रहेगा? वो कस्टमर का रहता भैया। अच्छा, जो चार्जेस रहेगा वो कस्टमर का रहेगा। तो किसी भाई को और भी जैसे अधिक जानकारी चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट नंबर पर आप डिटेल पर बात कर सकते हैं। तो जैसे कम से कम आप कितना रंग ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो? मिनिमम 10 तो होने ही चाहिए। मिनिमम 10 रंग तो आप ट्रांसपोर्ट को होना ही चाहिए, ताकि आपको भी फायदा मिल सके और ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो सके। तो जैसे कि वैक्सीनेशन में कंप्लीट कैसे रहेगा? वैक्सीनेशन सारा अपने कंप्लीट रहता है। अच्छा, वैक्सीनेशन कंप्लीट रहता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसको जैसे कि रख रखाव के लिए बकरी को कैसे रख रखाव कर रहे हो, कैसे जानकारी दीजिए थोड़ी? इनको तो आप खुले के अंदर रख लो, कंपाउंड बना लो, जैसे चद्दर का सेट वगैरह बना लेते हैं, टी शर्ट, तो उसके अंदर आप आराम से रख सकते हो। जैसे हरा चारा हुआ, और गुआर का भूसा हुआ, हरी पत्ती हुई, इस चीज को डाल के आप आराम से पाल सकते हो, घर पे भी पाल सकते हो, इनको कोई दिक्कत अच्छा, नहीं अच्छा। मतलब ऐसे जरूरत नहीं कि चराना जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घर पे पाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से चल लेगी। अच्छा, जैसे मैं जानकारी दे देता हूँ आपको, बता देता हूँ नस्ल बता दीजिए कौन सी है। नस्ल है अपने फुल हाइट लेंथ वाली है, देखें। अब इसको 14 महीने बाद हम क्रॉस कराएंगे ना, तब तक ये 2 महीने के अंदर अभी और आइलैंड पकड़ लेगी। 14 महीने बाद क्रॉस कराएंगे, 10 महीने की यानी 4 महीने और उसको रखने के बाद क्रॉस कराना। बिल्कुल, तब तक और अच्छी हाइट इतनी पकड़ लेगी अपने यहाँ तक आ जाएगी। जैसे बकरा भी क्रॉस करेगा तो कोई अभी दिक्कत नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो अभी छोटा ही होगा ना? बिल्कुल छोटा है, अभी अदंत से बच्चा है। अच्छा अच्छा, यानी अभी सिर्फ उसे मस्ती कर रहा है और कुछ नहीं होगा? बिल्कुल सिर्फ मस्ती कर रहा है, अभी कुछ नहीं होने वाला, ये भी अदंत है अभी तो। अच्छा अच्छा, यानी कि उसको लंबे टाइम के लिए पालना हो, किसी को नए शुरुआत करना हो, उसके लिए बढ़िया है। बिल्कुल, ये लंबे समय की बात कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी थी। ऐसे कुछ कमल गोट फार्म के बारे में जानकारी, ऐसे कोई जानकारी पाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अपनी जानकारी हम लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सभी वीडियो देखना चाहेंगे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और किसी भाई को यहाँ पर आना है तो एड्रेस जान लेते हैं, एड्रेस कहाँ पर है? अपना राजस्थान अजमेर में सिक्कर रोड पे, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूरी पर, सामरिया गोट फार्म। अच्छा चलो, बहुत अच्छी जानकारी थी। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अपनी जानकारी में सलाह लाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।